पैसा हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचता है। हम और आप इन नोटों के लिए ही काम करते हैं, क्यों ये विनिमय के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि खरीद बिक्री के लिए। इन नोटों पर काफी कुछ लिखा होता है। नोट के ठीक बीचों बीच एक खास लाइन लिखी होती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो इन नोटों के बीचों बीच लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ। जितने रुपए का नोट होता है उतना ही धारक को देने का वचन दिया जाता है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नोटों पर लिखा ही क्यों जाता है। हम बता देते हैं आपको इसके पीछे की असल वजह। दरअसल RBI जितने की करेंसी प्रिंट करती है उसी कीमत का गोल्ड अपने पास सुरक्षित रखती है। यानी RBI अगर 10 रुपए का नोट छाप रहा है तो उतने का सोना अपने पास रखता है। ऐसे ही अगर 2000 रुपए का नोट छाप रहे हैं तो 2000 का सोना अपने पास रखता है। यही वजह है कि हर नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि धारक को विश्वास दिलाता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो रिजर्व बैंक के पास 100 रुपए का सोना रिजर्व है। ये नोट सोना के एवज में छापे जाते हैं। अब तो आप जान गए ना कि नोटों पर क्यों लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।